से आप सभी, आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 5 डिजिटल प्रेजेंटेशन इंटरमीडिएट। इसके पहले की सारी क्लासेस हमने पढ़ लिया है और उसको हमने प्लेलिस्ट में लगा दिया है। आप जो नए साथी हैं हमारे, वो जाके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और जो नए आज हमारे देख रहे हैं चैनल को, उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हम हर वीडियो आप तक अपना पहुँचा सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम पढ़ने वाले हैं डिजिटल प्रेजेंटेशन इंटरमीडिएट। इसके बारे में हमें पढ़ना है, तो सबसे पहले हम कंटेंट्स के बारे में जानते हैं कि इसका कंटेंट्स क्या है। तो यहाँ पे जो कंटेंट्स आपका है, तो इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है जो वो है इंसर्टिंग ए मूवी क्लिप, सेकंड आपका है इंसर्टिंग एन ऑडियो क्लिप, वर्किंग विद टेबल्स, वर्किंग विद चार्ट्स, इंसर्टिंग ट्रांजिशन, इंसर्टिंग एनिमेशंस, ग्रुप ऑब्जेक्ट। इसके बाद आपका जो होगा वो है इंसर्टिंग स्पीकर नोट्स, रिव्यूइंग कंटेंट्स, प्रिपेयरिंग टू डिलीवर डिलीवर ए प्रेजेंटेशन, प्रिंट ए प्रेजेंटेशन। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करते हैं सेशन फर्स्ट को और देखते हैं यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है। तो जो मूवी क्लिप होता है, इसको हम जान लें पहले ये होता क्या है। तो सेशन फर्स्ट में आपका इंसर्टिंग मूवी क्लिप है, तो इंसर्ट मतलब होता है किसी भी चीज़ को पेज पर लाना, निकालना। तो यहाँ पर जो होगा मूवी क्लिप को कैसे लाएंगे, तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको क्लिक करना है जाके इंसर्ट टैब पर। जब आप इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मीडिया क्लिप्स का ऑप्शन आएगा। मीडिया क्लिप्स पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मूवी का ऑप्शन आएगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे एक छोटा सा ये फिगर आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा ये मूवी क्लिक का होगा, और यहाँ पर हम क्लिक करने वाले हैं। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलने वाला है मूवी फ्रॉम फाइल। तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में चले आओगे, वहाँ पर जो भी आपका वीडियो होगा आप उसको वहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे आपको कुछ ऐसे आइकॉन दिखेगा जहाँ आपका डिस्प्ले होगा, और वहाँ पे आप जाके अपनी फाइल को आप ढूंढ सकते हो कि कौन सा वीडियो हमें इंसर्ट करना है। और इंसर्ट करके हम यहाँ से ओपन कर लेंगे। जब हम ओपन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं, तो हमारे पास पूछता है आपके पास कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट हाउ डू यू वॉन्ट टू मूवी स्टार्ट इन द स्लाइड। तो यहाँ पर हमें क्लिक करना होता है। अगर आप दो ऑप्शन है आपके पास, ऑटोमेटिकली क्लिक करेंगे तो ये अपने आप जो आपका वीडियो होगा वो प्ले होगा, व्हेन क्लिक जब आप क्लिक करेंगे तब आपका प्ले होगा। तो ये आपको यहाँ पे चूज़ करना होता है। तो अब बेसिकली हम लोग ऑटोमेटिक पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ से चूज़ कर लेते हैं। था हमारा मान लीजिए जो वीडियो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में होगा उसको करने के लिए। अब हम चाहते हैं कि हमारे पावर पॉइंट में कुछ बाय डिफ़ॉल्ट मूवी क्लिप्स होती हैं, उनको हम कैसे इंसर्ट करेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन होता है क्लिप आर्ट का, और वहीं पे एक ऑप्शन होता है मूवी क्लिप आर्ट का। तो वहाँ पे हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक छोटा सा ऐसे यहाँ कॉर्नर पर एक बॉक्स आ जाएगा। उस पर हम जो भी लिख देंगे, जैसे कि हमें जो कुछ सर्च करना होगा, कंप्यूटर मॉनिटर स्पीकर है ना, जो भी आप डालोगे वहाँ से वो सर्च होकर एक छोटे से आइकॉन में आपके पास ऐसे पिक्चर्स आ जाएंगी, ये देखिए जो आपको दिख रही हैं। तो इनको हम यहाँ से इंसर्ट कर लेते हैं, और उसको भी हम पेज पे अपने स्लाइड्स पे लाके उसको हम यूज़ में ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं एक स्लाइड है और इस पर एक छोटा सा पिक्चर ये दिख रहा होगा, तो ये हमने वहीं से लिया है। इसके बाद आपका जो होगा हम देखते हैं इसमें कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर होता है यूजिंग लेआउट का ऑप्शन, और यूजिंग लेआउट में सिर्फ आपको ये जानना होता है कि जो हमारी स्लाइड होती हैं उसके टाइप्स कितने हैं और हमारे स्लाइड में क्या क्या होता है। तो हम जानेंगे स्लाइड क्या होता है। तो स्लाइड जो होता है आपका, वो आपके पेज जो आपका पावर पॉइंट होता है उसी के पेज को हम स्लाइड कहते हैं, पावर पॉइंट के पेज को हम स्लाइड कहते हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे ये स्लाइड है हमारी, जो भी आपको ये दिख रहा है ये सारी की सारी आपकी स्लाइड है, और इन्हीं स्लाइड से ही हम अपने पेज में वो पावर पॉइंट में जो भी फॉर्मेट देते हैं यहीं से देते हैं। तो हम एक थोड़ा सा एक अलग जानते हैं, जैसे कि आपको पता होगा हमने इसके पहले पढ़ा है स्प्रिट शीट। तो स्प्रिट शीट पे जो पेज होता है उसे हम वर्कबुक के नाम से जानते हैं, और जो आपका ये एमएस वर्ड था वर्ड प्रोसेसिंग का, उस पे जो पेज होता है उसको हम जानते हैं डॉक्यूमेंट्स या फिर पेज के नाम से। अगर आपका प्रेजेंटेशन का पेज पूछा जाए तो उसे हम स्लाइड के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो है एक सेशन फर्स्ट आपका कंप्लीट होता हुआ, और हम यहाँ पर अब देखने वाले हैं सेशन सेकेंड। ये आपकी एक्सरसाइज है, ये हम बाद में करवाएंगे आपको बताए हैं, और एक भी एक्सरसाइज एक भी क्वेश्चंस आपके छूटने वाले नहीं हैं, इन सबको हम करा देंगे। यहाँ पर है इंसर्टिंग एन
ऑडियो क्लिप, टू सेम वही है, वहाँ पे हमने वीडियो क्लिप को इंसर्ट किया था, यहाँ पर हम ऑडियो क्लिप को इंसर्ट करने वाले हैं। तो तरीका हमारा सेम टू सेम वही होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, इंसर्ट टैब पे जाना है। हम देखते हैं इंसर्ट टैब कहाँ मिलेगा, तो इंसर्ट टैब यहाँ है, आप इस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे मीडिया क्लिप्स पे आएंगे, तो यहाँ पर आपको साउंड का ऑप्शन मिलेगा। जब आप साउंड पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आपको फिर से वैसे ही एक आइकॉन दिखने वाला है, और यहाँ पे हम जो भी चाहेंगे उसको चूज करके ले सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ आइकॉन ऐसे आपको दिखने वाले हैं, और यहाँ पे हम जैसे कि साउंड फ्रॉम फाइल, अगर यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारे कंप्यूटर में जो भी म्यूज़िक और साउंड हमारे पास सॉन्ग्स होंगे उसको हम ले सकते हैं। अगर आपके पास साउंड फ्रॉम और क्लिप और नेशन, अगर आप क्लिप्स लेना चाहते हैं, जैसे कि अभी हमने क्लिप दिखाया था वीडियो क्लिप का, अगर वैसे ही आप लेना चाहते हो तो यहाँ पर आप क्लिक करके ले सकते हैं। अगर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम में आपने सीडी और डीवीडी के थ्रू अपना कुछ म्यूज़िक उसमें डाला है, तो वहाँ से अगर आपको लेना है तो यहाँ पर आपके पास थर्ड ऑप्शन दिख रहा है, प्ले सीडी ऑडियो ट्रैक, तो यहाँ से उसको हम चूज़ कर सकते हैं। और जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसे आइकन्स दिखते हैं, और यहाँ से हम जाके उसको फाइंड करते हैं कि हमारा कौन सा म्यूज़िक है। और यहाँ पर हम ओपन वाली बटन पे क्लिक करके हम ओके कर देते हैं, और हमारी म्यूज़िक हमारे स्लाइड पर आ जाता है। अब हम पढ़ते हैं सेशन थर्ड, वर्किंग विथ टेबल्स। तो टेबल्स के बारे में तो हमने इसके पहले आपको MS वर्ड, MS एक्सेल इन सब में बताया है, तो सेम टू सेम आपका वही है। बस थोड़ा सा यहाँ पे क्या है कि आपको टेबल अपने अकॉर्डिंग बनाना है, और वहाँ पे क्या होता था, एक्सेल में बना रहता था, यहाँ पे हमें बनाना है और एडजस्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करना होता है, ये चीज़ हम देखते हैं। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ तो करना नहीं है, सिर्फ सिंपल सा एक आपको देखना है कि हम कैसे टेबल को बनाते हैं। सबसे पहले हम आते हैं अपने इंसर्ट टैब पर। यहाँ पर जैसे ही आएंगे यहाँ पर टेबल्स ऑप्शन मिलेगा, इस पर हमें क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो कुछ ऑप्शंस आपको मिलते हैं जो कि यहाँ से आपको फॉलो करना होता है। तो मान लीजिए आपको ऐसा एक फिगर दिखेगा, आइकन होगा, जो कि हम इस पर क्या करेंगे, अगर हमारा जो है इस तरफ हम ले जाएंगे तो हमारे क्या होगा, टेबल में कॉलम की संख्याएँ बढ़ जाएंगी। अगर हम ऐसे राइट टू लेफ्ट में जाएंगे और हम जब नीचे की ओर आएंगे तो हमारे क्या होगा, रो की संख्याएं बढ़ जाएंगी और हम उसको बना लेंगे आसानी से। इसके बाद होता है इंसर्ट टेबल। यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपसे पूछेगा रो नंबर, कॉलम नंबर, जितने आपको रो चाहिए उतने रो का नंबर डाल दो, जितने कॉलम चाहिए उतने कॉलम का नंबर डाल दो, और आपका वीडियो वो क्या कहते हैं, टेबल आपका बन जाएगा। इसके बाद जो है ड्रा टेबल, ड्रा टेबल में क्या होगा, यहाँ से हम अपने आप ही पेज को माउस के कर्सर की हेल्प से हम पेज को ड्रा कर सकते हैं, वो टेबल को ड्रा कर सकते हैं, जैसे कि पेंट पर करते हैं। इसके बाद एक्सेल स्प्रेड शीट। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सेल स्प्रेड शीट में आपका वही होगा जैसे कि आपने एक्सेल में देखा होगा कि चार्ट बना था, तो वही आपका पूरा का पूरा टेबल आपके यहाँ पे आ जाएगा। टेबल इंसर्ट करने के बाद कुछ ऐसे आपको आइकन्स दिखने वाले हैं जो कि आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा टेबल है। ये आपको ऐसे बने नहीं रहेगा, आपको फॉर्मेट करना होगा, यहाँ पे इसको डेकोरेट किया गया है, तो ऐसे आप उसको बना सकते हैं। और हम देखने वाले हैं इसके बाद नेक्स्ट कैसे हमारा टेबल होगा। तो ये देखिए आपके सामने एक फिगर दिख रहा है, और यहाँ पर ये टेबल के ही हेल्प से यहाँ पे बनाया गया है, जो डेटा लिखा गया है ये सब के सब आपको टेबल से ही बनाकर लिखा गया है। तो जो हमें चाहिए उसको हम यहाँ से एकदम आसानी से हम बना सकते हैं। आगे देखते हैं हम टाइटल कंटेंट्स कैसे हम इसको ड्रा करते हैं। तो अभी मैंने बताया था जो कि इंसर्ट करने वाला आपका था ऑप्शन इंसर्ट टेबल का, तो वहाँ पे मैंने बताया कि नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज पूछेगा। तो जब आप नंबर ऑफ रोज में, जैसे कि अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने डाला है 5, यहाँ पे डाला है 2, तो नंबर ऑफ कॉलम, तो ऐसे आपका कॉलम कितना आ जाएगा, 5। ये देखिए 5 कॉलम हो गए, अब इसमें 2 रो आ जाएंगी, ऐसे ये आपका बन गया टेबल। ओके कर देंगे, हमारा टेबल बनकर आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने अभी बताया आपको कि उसको हमें डिज़ाइन देना होता है, फॉर्मेट करना होता है। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि बहुत सारे हमारे पास फॉर्मेट्स हो जाते हैं अवेलेबल, और इसको हम यहाँ से डेकोरेट कर सकते हैं। अब आपको जैसे कि टेबल में कलर वगैरह सेट करना है, तो ये आपको डिज़ाइन दिख रही है जिसे हम टेबल स्टाइल टैब के नाम से जानते हैं। और इसके बाद आपको इसमें और कुछ सेट करना है, बॉर्डर सेट करना है, इफेक्ट सेट करना है, शेडिंग सेट करना है, तो ये आपको साइड में 3 कॉर्नर्स पे दिए गए हैं। उसके बाद हमें इंसर्ट ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा जानना है। तो हम कहेंगे इंसर्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो इंसर्ट ऑब्जेक्ट का सिंपल सा मतलब ये होता है कि कोई एक सॉफ्टवेयर होता है, उसके
हम मैटर को अपने दूसरे सॉफ्टवेयर पे लाते हैं। तो जैसे सबसे पहले आपको इंसर्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है। जब यहाँ पर जाएंगे तो आपके कंप्यूटर में जो भी फाइल होंगी वो सबका फोल्डर वहाँ पे ओपन हो जाएगा, और उस फोल्डर से हम चूज़ कर लेते हैं कि किसे हमें ओपन करना है। उस पर आप क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे और वो आपका ओपन हो जाएगा। हम यहाँ पर देखते हैं एक्सरसाइज फिर से आ गया। तो आपका जो होता है सेशन आपका 3 कंप्लीट हो गया है, और अब हम पढ़ने वाले हैं सेशन 4th, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आपको वीडियो कैसे लगा आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।